नया साल लगने वाला है 2021 हटा के 2020 लग जाएगा। आज हम अपने जहन में देखें, एक कारोबारी जहन होता है ना, कारोबारी जहन, जैसे वो साल के महीने के आखिर में वो पूरा हिसाब करता है कि भाई इस साल में, इस महीने में, इस हफ्ते में मैंने क्या कमाया, क्या नुकसान किया था, क्या खोया, क्या पाया। सूफिया इकराम जो दुआ करते हैं ना वो इस तरह कि नया साल आ गया, पहले जो 2021 था उसमें हमने क्या क्या किया था, क्या खोया, क्या पाया, क्या अल्लाह ताला की इताअत बंदगी, अल्लाह ताला की इबादत की या नहीं की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और अगर की तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला मुझे तकब्बुर से बचाया। ये सूफिया का ज़हन हुआ करता है। अब शाम को देख नया साल लग जाएगा, आज मैं और आप देख लें कि हमने नए साल में आगे क्या सोचा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में कितना झुकेंगे, दीन के लिए, शरीयत के लिए अपने आप को कितना आगे किया, दीन को कितना बनाया, दीन को कितना फैलाया, दीन के लिए हम कितने फायदेमंद होते हैं, और दीन के लिए फायदेमंद होते हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो किन वजूहात की बिना बन रही है, वो क्या वजूहात है ऐसी कि हम दीन की तरफ नहीं बढ़ रहे। आज ऐसी है, आज हमारे घरों में दीन नहीं है। क्या है? आज हमारे घरों में दीन नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर किसी के घर में दीन आ गया तो वो दीन क्या कहेगा कि सारी लगवियात को छोड़ो, अगर नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज पढ़ो, और वैसे वाले हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ो, कुरान पढ़ो। इसीलिए दीन ये कहता है, अगर दीन को हमने अपने घर में जगह दे दी तो दीन ये काम बोलेगा, लेकिन दीन को हमने क्या, दीन का रास्ता बंद कर दिया। नहीं कि हमारे घर में तो कुछ मोबाइल पड़ा हुआ है, हम मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, बातों में लगवियात में रहते हैं, लगे रहते हैं, इसीलिए दीन का जो है हमने रास्ता बंद कर दिया। शायरी तौर पर भले मुसलमानों को, भले मुसलमानों हम कहे कि भाई हम मुसलमान है, ये है, लेकिन सही मानों से जिस तरह मुसलमान होना चाहिए का नाम नहीं है।